दोस्तों, भारतीय डिफेंस के हथियारों का डंका अब पूरी दुनिया में अपना धमाल मचा रहा है। नाटो के 32 देशों के साथ साथ अब रूस में भी भारत के मिसाइलों और हथियारों का डंका बजना शुरू हो गया है, क्योंकि भारत आए दिन ऐसे ऐसे खतरनाक मिसाइलों और हथियारों को बना रहा है जिसको देखकर पूरी दुनिया टेंशन में पड़ी है। दरअसल हाल ही में कुछ दिनों पहले एक खबर निकल कर आई थी कि नाटो, जो कि 32 देशों का संगठन है, उसके कई देश भारत की ब्रह्मोस, तेजस और अग्नि प्राइम जैसी मिसाइलों को खरीदने के लिए भारत से डील फाइनल करने में जुटे हुए हैं। लेकिन अब जो खबर निकल कर आई है उससे यह पूरी तरह से तय हो चुका है कि केवल 32 देशों का संगठन नाटो ही नहीं, बल्कि भारत का दोस्त देश रूस भी भारत से इन्हीं मिसाइलों को खरीदना चाहता है, जिसे खरीदने के लिए नाटो और रूस आपस में ही झगड़ रहे हैं कि आखिर कौन पाएगा सबसे पहले भारत की इन मिसाइलों को। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि आखिर भारत की मिसाइल में ऐसी कौन सी खास बात है जिससे 32 देशों का संगठन नाटो और रूस जैसे पावरफुल देश भारत की इन मिसाइलों को खरीदने के लिए भारत की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो रूस डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट के मामले में भारत से कहीं आगे है, लेकिन इसके बावजूद भी रूस की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वह भारत की मिसाइल को खरीदने के लिए नाटो से भिड़ चुका है। दोस्तों, क्या है पूरी अपडेट, चलिए जानते हैं आज के इस खास वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो हमने कुछ दिनों पहले आपको एक खबर बताई थी जिसमें नाटो के कई देश भारत की ब्रह्मोस और अग्नि प्राइम जैसी मिसाइलों को खरीदने के लिए भारत की ओर अपने हाथ को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन नाटो भारत से इन मिसाइल को खरीदने की डील फाइनल कर पाता कि उससे पहले ही बीच में रूस भी कूद चुका है, जिससे रूस और नाटो दोनों के बीच भारत की मिसाइल को खरीदने की होड़ मची हुई है। क्योंकि देखा जाए तो इस समय यूरोप हो या फिर अमेरिका, इन सभी देशों में खुद के मिसाइल और डिफेंस हथियारों की आलोचना हो रही है, जिससे नाटो जैसा 32 देशों का बड़ा संगठन जिसमें अमेरिका भी शामिल है, वह खुद अपने रुख को भारत की ओर मोड़ रहा है और नाटो भारत से मिसाइल और अन्य डिफेंस हथियारों को खरीदने की डील फाइनल करने में जुटा हुआ है। लेकिन इसी बीच रूस नाटो को धक्का मारते हुए बीच में कूद चुका है, जहां इन दोनों के बीच होड़ मची हुई है कि आखिर भारत से सबसे पहले इन मिसाइलों को कौन खरीदता है। फिलहाल नाटो के 32 देश और रूस के भारत से डिफेंस हथियारों को खरीदने के मेन रीजन की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा कारण है इनकी कीमत। क्योंकि अमेरिका और यूरोप जैसे देशों के मिसाइल की कीमत भारत की मिसाइलों के अपेक्षा कई गुना ज्यादा है, और वहीं दूसरी तरफ भारत की ब्रह्मोस और अग्नि प्राइम जैसी मिसाइल ताकतवर होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा सस्ती और अफोर्डेबल है। इसीलिए जब रूस को यह बात पता चली कि उनके दोस्त देश भारत से नाटो खतरनाक मिसाइल्स और डिफेंस हथियार सस्ते दामों में खरीद रहा है जिसका इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जा सकता है, क्योंकि देखा जाए तो नाटो यूक्रेन के समर्थन में है, जिससे रूस और नाटो के बीच इस समय बड़ा टकराव चल रहा है कि रूस और नाटो भारत से इन ताकतवर खतरनाक मिसाइल्स को खरीद पाए, बल्कि रूस खुद ही भारत से मिसाइल और डिफेंस हथियारों को खरीदने की डील फाइनल करने में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि अमेरिका और यूरोप जैसे देशों की जो मिसाइल है वह भारत के मुकाबले 16 गुना ज्यादा महंगी है। यही कारण है कि भारत की मिसाइलें सस्ती होने के साथ साथ तकनीक के मामले में इन देशों को पछाड़ रहा है, जिसके कारण भारत की मिसाइलों को खरीदने के लिए इन देशों में बवाल मच गया है। दरअसल अगर ध्यान दिया जाए तो जब से यूक्रेन और रूस के बीच में जंग चल रही है तब से लेकर अब तक अमेरिका लगभग $250 बिलियन खर्च कर चुका है, लेकिन इस युद्ध का नतीजा अभी तक नहीं निकल पाया है। इसलिए नाटो के द्वारा खुद ही अमेरिका की आलोचना हो रही है और नाटो भारत की ओर अपने हाथ को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन अब सवाल इस बात का उठता है कि ऐसे में अगर मान लीजिए भविष्य में चीन और भारत के बीच युद्ध होता है तो क्या भारत मिसाइल का खर्च उठा पाएगा? तो इस बात के 100% चांसेस है कि भारत किसी भी मामले में चीन से पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि भारत की मिसाइलें दिन पर दिन खतरनाक होती जा रही हैं और उनकी कीमत रूस, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोप की तुलना में काफी कम है। फिलहाल अगर इन मिसाइलों की कीमत की बात की जाए तो हाल ही में भारत ने जो मोस्ट पावरफुल ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को फिलीपींस में डिलीवर किया है उसकी कीमत 30 से 35 हजार करोड़ रुपए के आसपास है,
जबकि अमेरिका और ब्रिटेन के मिसाइल भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से लगभग 16 गुना ज्यादा महंगी है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जो कीमत आपको मिसाइल की बता रहे हैं, ये कीमत बिना किसी पेलोड और बिना किसी वॉरहेड की है। और आपको बता दें कि भारत की मिसाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, DRDO और गोदरेज एयरोस्पेस इस समय इन्हीं कीमतों पर इन मिसाइलों को बना रही हैं। जबकि भारत में जो परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल है, उनके रख रखाव पर भी काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जिसके लिए भारत हर साल बाकायदा 2.3 अरब डॉलर खर्च भी कर रहा है। खैर, ये हो गई भारत की मिसाइल की कीमत की बात। लेकिन आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि भारत की कंपनियां जिन मिसाइलों को डेवलप करती हैं, अमेरिका और ब्रिटेन की अपेक्षा 5 गुना कम लागत में डेवलप किया जाता है। यानी कि भारत जो दूसरे देशों में मिसाइल का एक्सपोर्ट करता है, उससे भारत को एक मोटा फायदा होता है। भारत की DRDO जैसी कंपनियों द्वारा डेवलप की गई मिसाइल इतनी सस्ती होने के बावजूद भारत ने मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी के मामले में सभी देशों को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि फाइटर जेट, सबमरीन और युद्धपोत जैसे डिफेंस हथियारों के मामले में अमेरिका और चीन से पीछे जरूर है, लेकिन सबमरीन और युद्धपोत जैसे हथियारों के प्रोडक्शन पर अभी भारत की कंपनियां इस समय ध्यान दे रही हैं। फिलहाल अगर नाटो जैसे 32 देशों के संगठन को ध्यान में रखते हुए रूस जो भारत से मिसाइल और डिफेंस हथियार खरीदने जा रहा है, अगर उसकी बात की जाए तो रूस ने यह साफ साफ कह दिया है कि उनके रिलेशन भारत के साथ काफी लंबे समय से अच्छे बने हुए हैं, जहां भारत और रूस के बीच हमेशा से बायलेटरल ट्रेड होता आया है। यानी कि भारत और रूस एक दूसरे के काफी अच्छे ट्रेड पार्टनर है, जिससे रूस और भारत मुसीबत आने पर एक दूसरे की मदद करेंगे। हालांकि इस पर भारत की तरफ से कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं दिया गया है कि भारत रूस को मिसाइल का एक्सपोर्ट करेगा या फिर नाटो को। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि रशिया को मिसाइल बेचने की खबर ऐसे टाइम पर आई है जिस समय भारत के सुरक्षा सलाहकार मंत्री अजीत डोभाल रूस के दौरे पर गए हैं, जिसमें भारत और रूस के बीच सिक्योरिटी को बढ़ाने की बातचीत की जा रही है, जिससे इस बात की उम्मीद ज्यादा है कि भारत रूस को ब्रह्मोस, अग्नि 5 और प्रलय जैसी खतरनाक मिसाइलों का एक्सपोर्ट करेगा। क्योंकि रूस ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि भारत किसी भी कीमत पर नाटो को यह मिसाइल एक्सपोर्ट करे, इसीलिए रूस जानबूझकर नाटो को धक्का मारते हुए भारत से इन मिसाइलों की डील फाइनल करने के लिए हाथ धोकर जुट चुका है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत के द्वारा नाटो को इन मिसाइलों का एक्सपोर्ट करना चाहिए या फिर रूस को? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।